जेल आपको जो ये समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं शाम हुई है, स्टेज लगा है और लोग घर में खाना बना करके आकर के बैठ जाते हैं, तो मनोरंजन नहीं चल रहा है, लोगों की तकलीफ है। और अगर आप सरकार हैं तो आप लोगों की इस तकलीफ को समझिए, आप समझिए कि ये हमारे राज्य के लोग हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और अगर नहीं समझिएगा तो एक बात कह देते हैं, हमने भी ठान लिया है आर की पार, आर की पार ये होने नहीं देंगे। आप हमारी बात को सुनिए, बिहार की विधानसभा में एनपीआर एनआरसी और सीए के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कीजिए। आप बोलिए केंद्र सरकार को कि बिहार में एनपीआर नहीं होगा। बिहार का लोग रोजगार मांग रहा है, हम कहते हैं बिहार मांगे रोजगार और आप कह रहे हैं ले लो एनपीआर। एनपीआर नहीं चाहिए, एनपीआर एनपीआर मांग ही नहीं रहे हैं आपसे। और एनपीआर को अगर सरकार नहीं रोकेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अगर भारी तादाद में पटना के गांधी मैदान आएंगे तो हमारी हर रैली की वीडियोग्राफी की जाती है, तो सरकार देखेगी ना, सरकार देखेगी हम नारा लगाएंगे वहां से खड़ा होकर के कि कितने बाजू कितने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से, ये नारा लगाना चाहते हैं, ये आवाज बुलंद करना चाहते हैं। आप आइए, सरकार पर हम ये जन दबाव बनाना चाहते हैं कि जैसे दूसरे राज्यों में एनपीआर के खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ है, बिहार विधानसभा में भी पास हो। और अगर नहीं पास होगा तो गांधी मैदान से ही ये ऐलान करेंगे कि इस आंदोलन का अगला मुकाम क्या होना चाहिए। आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? जैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछाल जाएगा। हम आकाश में सुराख करना चाहते हैं और वो मेरे स्कॉर्पियो का शीशा फोड़ देना चाहते हैं। तो शीशा फोड़ दोगे ना, शीशा फोड़ दोगे, सर फोड़ दोगे, हाथ तोड़ दोगे, जेल में डाल दोगे। दर्जनों लोगों को जेल में डाल दिया है, डॉक्टर कफील को जेल में डाला हुआ है, दर्जनों नाम कितनी माओं ने जो है अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी है। कुछ भी कर लोगे लेकिन अपना हक नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारे पुरखों ने जो आजादी हमको 1947 में दिलाई, उस आजादी को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। जो झंडा हमारे कंधे पे है उसका शान हम झुकने नहीं देंगे। और आपको ये कह देना चाहते हैं कि एक बार ये देश धर्म के नाम पे बटा है, दूसरा इस खूबसूरत मुल्क को